नॉकआउट्स में जाते हो ओवर तो के बाद से के बीच में, वो क्रिकेट खेली नहीं सिर्फ एक चौका लगाया हमने ये कह दो इंडियन टीम ये दोबारा कर सकती है कि हर मैच को नॉकआउट मैच की तरह खेले कि हार के तो बाहर हो जाएंगे तो माइंड बदल जाता है तो आई थिंक वो माइंड चाहिए वहाँ उस ड्रेसिंग रूम में अभी हर कोई टीम की तारीफ कर रहा है आप भी कह रहे हैं कि टीम स्ट्रांग है लेकिन यहाँ बैठे लोग और जो देश के तमाम लोग हैं उनके दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि दस साल हो गए हैं आईसीसी ट्रॉफी तो नहीं आई है हमारे पास में तो क्या वजह है कि ये हमसे अभी तक जो खुशी है वो बड़ी दूर लग रही है एंड डू यू थिंक इन द टाइम्स टू कम वी हैव होप और uh, अभी तो बहुत जल्दी ही uh, एक और टूर्नामेंट होने वाला है व्हाट हैज मीन द रीजन कि हमारे पास दस साल में ये वाली uh, सफलता जो नहीं है वो नहीं आ पाई है आई थिंक स्ट्रांग टीम होना एक अलग बात है मतलब स्ट्रांग होना एक लेकिन चैंपियनशिप जीतना एक अलग बात है चैंपियनशिप के लिए आपको एक टीम होकर खेलना पड़ता है आपको थोड़ी किस्मत भी चाहिए थोड़े राइट डिसीजन भी चाहिए जब आप नॉकआउट्स में जाते हो तो आपको वो थोड़ा फियरलेस और ब्रेवरी के साथ भी खेलना पड़ता है जो कि शायद पिछले कुछ टूर्नामेंट में मुझे नज़र नहीं आया अगर लास्ट फाइनल में मैं देखूँ जिसमें इंडिया फिफ्टी ओवर का वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के रही तो वो नजर ही नहीं आया ग्यारह ओवर के बाद से लेकर चालीस ओवर के बीच में वो किसी ने फियरलेस क्रिकेट खेली नहीं सिर्फ एक चौका लगाया हमने ये कह दो तो आई थिंक वो हमें भूल जाना होगा कि हम लोग सेमीफाइनल या फाइनल खेलते हैं अगर हम लोग उसको भी लीग मैच की तरह खेलें आ, तो शायद आसान होगा क्योंकि मुझे मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ जब मैं टीम का हिस्सा था 2007 हजार से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक हम लोग हर एक मैच को ऐसे ट्रीट करते थे नॉकआउट मैच है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल अगर हम हार के तो बाहर हो जाएंगे तो 2007 हजार से लेकर 2011 तक हमने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते बहुत मैच uh, uh, जीते वन डे इंटरनेशनल और उसकी वर्ल्ड कप की तैयारी की हमने तो शायद इंडियन टीम ये दोबारा कर सकते कि हर मैच को नॉकआउट मैच की तरह खेले कि हार गए तो बाहर हो जाएंगे तो माइंडसेट बदल जाता है तो आई थिंक वो माइंडसेट चाहिए वहाँ उस ड्रेसिंग रूम में जब आप नॉकआउट में उतरते हो कि आप फियरलेस खेलो थोड़ा ब्रेवरी के साथ खेलो थोड़ा रिस्क लेके खेलो तो शायद वो लैकिंग है तो हम लोग शायद ही सोचते हैं नहीं, नहीं हमें जीतना है हमें जी जीत तो हो जाएगी अगर आप ये सब चीजें करोगे तो, तो think, uh, वो है, मुझे तो वहाँ तो मुझे उम्मीद है कि जो भी नए बंच ऑफ प्लेयर आए हैं जो सीनियर के साथ खेलेंगे वो फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे तो ही जीतेंगे और वो एक फॉर्मेट ऐसा टी ट्वेंटी की उसमें एक प्लेयर आपको पूरी टीम को हरा सकता है कोई भी एक बैट्समैन है कोई भी एक बॉलर पूरी टीम को हरा सकता है तो वो हमें फाइंड आउट करना होगा हमारे पास वो कौन-कौन से खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर हमें आ, टी टी20 मुकाबला जिता सकते फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज सबके लिए एक ही प्लेटफार्म क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट